अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं आज बना रही थी चिकन कोरमा। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल, हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है। हम इसमें प्याज लेंगे हाफ के जी लेंगे अच्छे से। प्याज को हम अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेंगे। इसको लाइट ब्राउन करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट। जब ये बिल्कुल लाइट सी ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको निकाल देंगे। ये देखें आप, ये बिल्कुल गोल्डन इसका कलर हो जाएगा तो फिर हम इसको प्लेट में निकाल देंगे। अच्छे से हमने इसको बिल्कुल कलर इसका हमें ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि फिर कोरमे का कलर भी डार्क हो जाएगा। इस तरह से इसका कलर होगा तो कोरमे का भी कलर अच्छा आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन को, रख के पेस्ट को सोते कर देंगे। उसके बाद अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हम लेंगे 1 कप दही और इसके अंदर हम लेंगे शान का कोरमा मसाला। इसे आप अगर इसमें कोई घर का मसाला भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इससे बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने इसमें ऐड कर दिया दही में शान का मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इस ऑयल में ऐड कर देंगे मसाले को। इसको हम मसाले को भूनेंगे अच्छे से 5 मिनट। जब तक इसका ऑयल रिलीज नहीं हो जाएगा तो हम इसको कुक करेंगे। फिर हम इसके बाद जब ऑयल रिलीज हो जाएगा तो इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। अब हमने इसके लिए 1 kg चिकन लिए। हम इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे 20-25 मिनट के लिए। अब हम इसको कवर कर देंगे, फिर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। प्याज को चॉप करते हैं जब तक ये पक रहा है। अंदर हो गई है। अब मैं इसमें प्याज मोटी मोटी से चॉप करनी है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसको 5 मिनट पकाएंगे, फिर इसको हम डिश आउट कर देंगे। ये देखें गाइस, कोरमा रेडी हो गया है। ऐसा रखना है आपको ठीक। तो गाइज़, यहाँ पर हो रहा था शाम का टाइम तो मैंने बनाई थी अपने लिए चाय। इसी के साथ मैं खा रही थी बिस्किट्स और चॉकलेट चिप, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। आप लोगों को कौन से बिस्किट ज़्यादा पसंद हैं, और वैसे आप चाय पीते हैं शाम में या नहीं पीते? लेकिन मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है शाम की ज़रूर।
आई थी लाइट्स लेने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ लाइट्स बाय करनी थी, तो सोचा आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं देख रही थी कुछ लाइट्स जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। इनके पास वैरायटी भी काफ़ी अच्छी थी, और यहाँ थी वॉल लाइट्स, हैंगिंग लाइट। तो बताएं आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।